हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला भी था कि जो है प्राइमरी टीचर जो पात्रता परीक्षा के जो फॉर्म रीओपन हुए हैं, जो 28 दिसंबर लास्ट डेट थी दोस्तों, वह जरूर बढ़ेगी दोस्तों। और जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ। देखो, लिखा भी है एमपी में रोजगार की बड़ी खबर, प्राइमरी टीचर पात्रता परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी डेट फिर बढ़ी, 1 जनवरी तक भर सकेंगे फॉर्म। ठीक है, ये आप लोग देखिए पूरे इसमें लिखा, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 4 दिन बढ़ा दी है। नए अभ्यर्थी 1 जनवरी से फॉर्म भर सकेंगे। पीईबी ने जनवरी की तिथि में संशोधन आदेश मंगलवार को जारी कर दिए। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 28 दिसंबर थी। पीईबी के अनुसार पहले जनवरी फरवरी 2020 में इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे गए थे। अब यह परीक्षा मार्च 2022 में प्रस्तावित दोस्तों। तो ये जो खबर है दोस्तों निकल के आ रही है, जो अब कई लोग जो स्टूडेंट मेरे को कह रहे थे ना कि सर हमारा जो है करेक्शन नहीं हो पाया है सर, तो चलो अब आप लोग जो है ना करेक्शन वगैरह बड़े आराम से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप करेक्शन कर सकते हो, जो भी जिसका रोजगार पंजीयन जो है अनवैलिड हो चुका है उसे रिन्यू करा लीजिए, वो भी करा सकते हैं। जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो सब सुधार कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात है, काफ़ी सारे स्टूडेंट आज मुझे कॉल किए थे, सर आज ये प्रॉब्लम है, आज आखिरी डेट है, नहीं हो पा रहा है ऐसा वैसा। अब सब कोई दिक्कत नहीं, अब 4 दिन का साथियों समय मिल गया है, अब अपनी प्रॉब्लम जो ठीक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।